हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और समझने की कोशिश जरूर करना मेरे भाइयों और बहनों। आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि अंत का दिन चल रहा है और अंत के दिनों में शैतान अपना तीर मसीहों के ऊपर चला रहा है और चला कर उसको नर्क में ले जाना चाहता है। शैतान का एक ही मकसद है, अपने 7 लाखों करोड़ों आत्माओं को नर्क में ले जाना। क्योंकि भैया, आपको ऑलरेडी हर वीडियो में चिल्ला के बताया जा रहा है कि पाप मत करो, मगर उस मसीह के ये समझ में नहीं आता है। सुधर जाओ मेरे भाइयों और बहनों, क्योंकि अंत का दिन चल रहा है। यीशु का आना बहुत ही जल्द है, द्वार ही पर खड़ा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि कोई भी प्राणी नाश हो, सबको मन फिराने का अवसर दिया जाए और सब मन फिरा के विश्वास पाएं और उद्धार पाएं और स्वर्ग का जीवन पाएं। अभी सुधर जाओ, वरना वचन कहता है जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना एक भयानक बात है। अगर उसके हाथ में पड़ गए तो दुनिया की कोई भी ताकत छुड़ा नहीं पाएगी। इसलिए समय रहते हुए रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए चिल्लाते हुए परमेश्वर के पास लौट आओ, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। क्यों भैया ना सुनना चाहते हो? वहाँ एक दो दिन के लिए नहीं डाला जाएगा उस नर्क में, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए, युगान युग के लिए उसको डाल दिया जाएगा और ऊपर से नर्क का ढक्कन बंद कर दिया जाएगा। बहुत भयानक झील होगी, तब आपको मन फिराने का अवसर नहीं दिया जाएगा। क्योंकि आज सारा का सारा संसार आज उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, जिसे परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे गिरा दिया था, फेंक दिया था। क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन लेना चाहता था और परमेश्वर ने उसे और उसकी सारी सेना को परमेश्वर ने नीचे पृथ्वी पर फेंक दिया था। और वही सारी शैतानी दुष्ट आत्माएं हर एक मसीही को ढूंढती हैं कि किसको फाड़ खाएं। शैतान का एक ही मकसद है, अपने 7 लाखों करोड़ों आत्माओं को नर्क में ले जाना। ऑलरेडी आपको भैया हर वीडियो में चिल्ला के बताया जाता है। क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों को पाप से बचाना, क्योंकि पाप परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यीशु ने यह साफ साफ कहा है, अगर तुम शारीरिक दशा में हो तो मैं तेरी प्रार्थना कभी नहीं सुनूंगा और ना कभी सुनेगा परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर को सब कुछ पसंद है, पाप नहीं पसंद है मेरे प्रियो। पाप से बहुत ही नफरत करता है परमेश्वर। परमेश्वर पापी से प्रेम करता है, मगर पाप से वह बहुत ही नफरत करता है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है मेरे प्रियो, और आपको भी पवित्र बनना पड़ेगा। मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ, रैप्चर में वही लोग उठाए जाएंगे जो पवित्र होंगे, जो इस संसार से निष्कलंक होंगे, वही स्वर्ग में उठाए जाएंगे। बाकी सब यहीं रहेंगे जिंदा जलने के लिए और खून पीने के लिए। क्योंकि आज मसीह को समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ अच्छा ही अच्छा सुनने की आदत पड़ गई है। किसी को स्वर्ग और नर्क के बारे में बताया जाता है तो कहते हैं, ब्रदर हमें यह सब मत बताओ। और किसी को पाप के बारे में खुलकर गहराई से बताया जाता है, जब खरी शिक्षा दी जाती है तो कहते हैं, हमें सब मत बताओ, हमें अच्छा नहीं लगता है, सुनने में खराब लगता है, बस अच्छा ही अच्छा बताओ जिससे चंगाई मिले और नौकरी मिले बस। और वह मसीह का उद्धार हुआ हो या ना हुआ हो, भले ही वह मसीही मरकर नर्क की झील में चला जाए। आज YouTube पर बहुत कम यह प्रचार किया जा रहा है, बस फालतू की चीज़ें YouTube पर बताई जा रही हैं, बस पैसों के चक्कर में। अगर वे सच्चाई बताना शुरू कर देंगे तो उनका इस बात का रहता है कि मेरे सब्सक्राइबर ना निकल जाए। अगर सब्सक्राइबर निकल जाएंगे तो व्यूज नहीं आएगा, और व्यूज नहीं आएगा तो पैसा कहाँ से आएगा भैया? और जब पैसा नहीं आएगा तो मैं अपनी शौकें कैसे पूरी करूँगा? भले ही वह मसीही मरकर नर्क क्यों ना चला जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। कोई नर्क जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। बहुत कम यह प्रचार किया जा रहा है स्वर्ग और नर्क के बारे में और पाप के बारे में, कोई जागृत नहीं कर रहा है। सिर्फ न्यूज ही न्यूज और फालतू की चीज़ें बताई जा रही हैं। बस पैसा मिल जाए और व्यू जाए, मैं अपनी शौकें पूरी कर लूँ, बस मेरी शादी हो जाए, बस यही हो रहा है यूट्यूब पर। और आज हमारे मसीह भाई बहन उसी में जूझ रहे हैं, वो बता रहा है वैसे बच, वो बता रहा है वैसे बच। अरे भैया, जब तक खुद बाइबल नहीं पढ़ोगे, जब तक आप खुद प्रार्थना नहीं करोगे, जब तक अपने जीवन वचन को खुद लागू नहीं करोगे, तब तक भैया आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा पाएगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर बहुत होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब शैतान यीशु की परीक्षा लेने आया, तब शैतान ने यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटियां बन जाए। तब यीशु ने शैतान को वचन से ही हराया था कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुख से निकलता है। मेरे प्रियो, यीशु ने शैतान से कोई लड़ाई नहीं की,
कोई लड़ाई नहीं की, सिर्फ उसको वचन से ही हराया। मगर आज हमारे मसीह भाई बहन वचन तो पढ़ते ही नहीं है भैया, कि वे बाइबल तो पढ़ते ही नहीं है, प्रार्थना तो करते ही नहीं है, सिर्फ अपने फोन अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ में हेलो लव यू गुड नाइट बोलते ही रहते हैं। बस यही हो रहा है, बस यही हो रहा है। सच सुनने की आदत ही नहीं है किसी को, बस सिर्फ अच्छा ही अच्छा सुनने की आदत पड़ गई है, बस अच्छा ही अच्छा सुनने की आदत पड़ गई है। सुनने में खराब लगता है, खरी शिक्षा किसी को पसंद ही नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऑलरेडी आपको हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बताया जा रहा है कि रैप्चर में वही लोग उठाए जाएंगे जो पवित्र होंगे, जो संसार से निष्कलंक होंगे, उसी को परमेश्वर लेकर आए लेकर जाएगा और उसके साथ कोई नहीं जाएगा। कि परमेश्वर हर घड़ी तैयार रही और प्रार्थना में लगे रहिए, क्योंकि रैप्चर कभी भी हो सकता है, किसी घड़ी भी हो सकता है। यहाँ छूट मत जाना वरना आपका बहुत बुरा हाल होगा। इसलिए समय रहते हुए यीशु के पास लौटो, परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नरक में डालना नहीं चाहता है। जब आप खुद पाप करके उस नरक में जाना चाहते हो तो उसमें परमेश्वर क्या करे? मेरे प्रियो क्या करे, मेरे भाई क्या करे? सुधर जाओ, लौट आओ यीशु के पास, मैं आपको पाप से बचाना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को दबा के शेयर करें अपने मसीह भाई बहनों के पास। परमेश्वर की आप परमेश्वर के लिए आप आत्माएं बचा सकते हैं। जब एक आत्मा बसती है तो स्वर्ग में कितना खुशियां और स्वर्गदूत मनाते हैं। इसके लिए परमेश्वर को स्वर्ग का जीवन देगा, मुकुट देगा। भैया वीडियो शेयर कर दें, ओके। तब तक के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की।